अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाउस गेला आता नवीन वीडियो। सो दोस्तों, नया वीडियो चालू कर रहे हैं। बारिश जा चुके हैं, पर्दे ऊपर अपने आप जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने मिल रही है एनएस गोट फार्म पे। नीले सर हमारे साथ में है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बकरे हैं दोस्तों। एक एक बकरा दिखाने के लिए मेरे को पूरा एक हफ़्ता यहाँ वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में, और ताकि आप लोग चूज़ कर पाएँ, है ना, आप लोग चूज़ कर पाएँ अपने अपने बकरे और आके खुद विज़िट करें इस प्यारे फार्म को। तो चलिए सर, एक विज़िट कर लें आपके फार्म का। मैंने कुछ वीडियोस में बोला हूँ कि बेस्ट लुकिंग गोट फार्मर्स की मैं एक इनाम देने वाला हूँ। तो आई थिंक ईद के बाद करना है, एंड यू आर इन दैट लीग। गुड गुड, माशाल्लाह, है ना। सो इंशाल्लाह उसके लिए होगा कुछ कॉम्पिटिशन, एंड हम लोग सबको इन्वाइट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे दिखने, एक बात देखा हूँ मैंने, हमारे गोट फार्मर सब बहुत अच्छे हैंडसम दिखने वाले लोग हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। बकरे भी हैंडसम रहते हैं आप लोगों के, और आप लोग भी। सो ये आपका एक शेड है, कितनी कैपेसिटी है इसकी? ये शेड की कैपेसिटी करीब 260-270 तक की है। ठीक है, और हाउ आर गोट्स सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ब्रीड, और क्या देख के आप सेग्रेट? वेट ब्रीड के हिसाब से भी सेग्रेट हो जाता है जी, और जैसे कस्टमर परचेस करते हैं वो हिसाब से भी सेग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप जमीन पे फ्लोरिंग पे क्या यूज करते हो ताकि बकरे आराम से रहें? ये तो मिट्टी ही है जी, मिट्टी पे हम लोग रखते हैं, जो एक कच्ची मिट्टी। कच्ची मिट्टी, ठीक है। तो इसके अंदर साफ सफाई ईजी रहती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा फीडिंग ट्रे सब अंदर ही है? सब अंदर है, पानी भी अंदर ही है। पानी भी अंदर। बकरों को क्या निकाला जाता है एक बार दिन में? हर बकरा निकलेगा दिन में 3 बार निकाला जाता है। हर बकरा 3 बार निकलेगा दिन में? निकला जाता है। सही है, मतलब एक शॉर्ट ब्रेक होगा, एक लंच होगा, जैसा स्कूलों में होता है, 3 बार उसको बाहर खेलने जाने दिया जाए। पहले मॉर्निंग में निकाला जाता है जी, 8 बजे से करीब 11:30 तक जी, फिर धूप पड़ने के बाद उनको अंदर लिया जाता है, फिर वापस शाम को यानी दोपहर में 3 बजे निकाला जाता है जी, 3-3:30 बजे अगेन धूप के हिसाब से जी, और फिर अनाज खाने के टाइम अंदर छोड़ा जाता है जी, और रात में वापस उनको बाहर निकाला जाता है। बकरा जब आता है जो उनके दोस्तों के बीच रहता है, हाँ, वहीं रखते हो एंटर के चेंज करते हो? नहीं, चेंज नहीं करते हम, उनको वही चेंज नहीं करते, वही आप दोस्त देते हो? यस, अभी ऐसा है ना कि पहले तो बकरे सब गले में मिक्स होते थे जी, फिर जैसे सेलिंग होता है, अगर 20-25 बकरे सेल हो गए, किसी ने 5 ले, किसी ने 3 ले, तो बकरे क्लब करके हम लोग एक गाले में रख देते जी। एक दो दिन शायद तकलीफ देते होंगे, 2-3 दिन झगड़ा करते हैं, बाद में सेट हो जाते हैं। बाद में सेट हो गए तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए सेट रहता है, जब तक ईद का नहीं होता तब तक वो वही बाड़ी में। और मैं एक बात देखा, जो बकरा बाहर जाता है वो तो घबराता ही है ना, एक बकरे को आप बाहर लेके गए समझो, कस्टमर आया वजन करने खेलने, बाकी लोग एकदम तकलीफ में आ जाएंगे, अरे कहाँ गया कहाँ गया, मतलब इनकी साइकोलॉजी है पूरी एक। हाँ, वो उनका वो एक टीम बन जाता है। हाँ, अगर किसी का 20 बकरों का टीम बना दिया जी, और उसमें अगर बाय चांस कोई बड़ा बकरा भी डाल दिया 20, तो छोटे 20 उसको मारेंगे, सब मारते। मतलब अच्छी क्लास ली जाती है उनकी, अच्छी क्लास ली जाती। सही है, बकरे रिलैक्स हैं, मतलब वो देख पा रहे हैं हम लोग, और मौसम में ठंडक भी थोड़ी आई है। ठीक है, वाह, कुछ बकरे तो बहुत गहरी नींद में सो रहे सर। एकदम रिलैक्स मोड में होते, एकदम रिलैक्स मोड में। अभी जैसे मक्खियाँ सीजन आज से स्टार्ट हो गया, आज ही वीडियो आज, बारिश हो गई तो है ना, तो सब अंदर आ जाएंगी, तो इसके बचाव के लिए अब क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? मक्खी के लिए हम लोग धुआ वगैरह करते हैं उससे बकरों को, क्योंकि बहुत इरीटेट कर देती होंगी कभी कभी, और काफ़ी नए फार्मर्स मेरे को भी पूछते हैं, इसके लिए सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है ना, कोई भी चीज़ें धुआ कर लीजिए आप लोग, कम हो जाते हो। ठीक है, ये देखिए आप, बहुत ये ग्रुप बहुत रिलैक्स ग्रुप है माशाल्लाह। ये भी सब सोल्ड आउट है, इसमें से कुछ बकरे हमने दिखाए थे पहले वीडियो में, कुछ दिखाए नहीं है, कुछ सब दिखाने तो पॉसिबल नहीं है। ये भी देखिए बहुत अच्छे से, सबका क्या प्यारा ग्रुप है। ये वो हैदराबादी है, बहुत मस्ती हो रहे हो जो देख रहे हैं हमको अभी, वाइट आइज वाला, ये उसके बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो फेवरेट बकरा है ना, हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड है वो। आइए, फीडर में हमेशा कुछ ना कुछ रखते ही हो आप, भले वो पूरा खा जाएं फिर भी थोड़ा रखते हैं। हम लोग डालते ही रहते, पूरा दिन भर उनका आना चालू है। पहला फीडिंग सुबह 6:30 बजे होता है माशाल्लाह, मतलब एकदम फजर की नमाज के बाद। यस, और उसके बाद में फिर
फिर पूरा दिन भर चालू अनाज जाएगा, मतलब रुका नहीं 15-20 मिनट में, फिर नेक्स्ट ऐसा नहीं, 15-20 मिनट ऐसा नहीं, अनाज खत्म होने के बाद हम लोग हरी पत्ती डालते हैं, फिर वापस दोपहर में 11:30 हरी पत्ती, फिर 3:30 बजे थोड़ी हरी पत्ती जिसकी खत्म हो गई है, 5:30 बजे अनाज डालते हैं बाद में हरी पत्ती, और रात को 10 बजे वापस अंदर तोड़ेंगे, कभी भी जो ट्रे में खत्म हो गई है उसमें थोड़ा टॉप अप कर देते हैं। सही, मतलब हरी पत्ती के सबसे बड़े खरीदार हम लोग हैं आज है ना, पूरे हरी पत्ती तो लगती है, 15 दिन में एक 9 टन की गाड़ी लगती है, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ। और दिख रहा है ना, द रिजल्ट्स आर देयर, क्या बात है। हाँ, फुल रिलैक्स मोड में सब बकरे सुकून से बैठे हैं, ये दिखाना मेरे को बहुत पसंद है, मतलब खेलते कूदते तो सर दिखा देते हम लोग। हाँ। वो तो आप मतलब कोई अगर लकड़ी लेके भाग गया तो बकरा भागता ही है, ठीक है, लेकिन ये जो मोड है ना, ये मोड देखने नहीं मिलता, रिलैक्सिंग मोड, क्या बात। आप गुलाबी बच्चे हैं जो जी कवर नहीं कर पाए जी, तो लोग खुद आके देख लें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है ना। और सर इसके अलावा इंस्पेक्शन टाइम कैसा होता है आपका, आप खुद करते हो कि यहाँ पर स्टाफ भी देखता रहता है? स्टाफ भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ रेगुलर, मतलब एक्चुअली ये फार्म जो अभी चल रहा है ये मेरे स्टाफ के सपोर्ट की वजह से। सही है, ये तीनों स्टाफ का भी नाम लेके हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर, ये लोग करते हैं इसके लिए फार्म बनता है। सही है, ये लोग सुबह 6:00 फार्म के अंदर होते हैं जी, ट्रे का साफ सफाई करने के बाद 6:30 बजे फिट पहला गिर जाता है जी, यानी मेरा ये फार्म ना हम लोग सुबह जल्दी चालू होता है और रात को हम लोग जनरली 8 बजे के बाद कस्टमर को अंदर नहीं लेते, नहीं नहीं, ये सुबह जब 5:30 को जब वेकअप हो जाते हैं तब ये 6 बजे आके फिर अनाज चालू होता है। सही कहा आपने, इसके लिए शाम में आराम भी काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए। सबकी खुद की एक स्पॉट भी होगा ना इनका? हाँ, सबका खुद का एक स्पॉट होता है ना, स्पॉट भी है और उनके बाड़े डिफाइंड है, उनको बाहर खेलने को छोड़ेंगे ना तो बरा उनके बाड़े में ही आएंगे। अच्छा, वो दूसरे बाड़े पे नहीं, बाड़े में जाएंगे ही नहीं वो, तो जगह भी इनको खुद की रहती है पसंदीदा, उसके अलावा इनके बाहर खेलने की जगह होती है। कुछ ऐसे मस्तीखोर भी होते हैं बकरे? हाँ। आपकी नज़र में है कोई इसमें जो बहुत मस्तीखोर है, जो आपके एकदम बोलते हैं बैड स्टूडेंट होता है कोई, जो हमेशा तकलीफ देता है? बैड स्टूडेंट वो हमारा छोटू था ना सोनू, वही सबसे सोनू ही बैड स्टूडेंट है, बहुत मस्ती करता है और सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट है कोई आपका? वो मेरा प्यारा, वो आपका? सही है, सो इट्स लाइक अ होम फॉर देम, देख सकते हैं। ये हम लोग सब कवर नहीं किए, ये भी मक्खी चिन्ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा लांगे, क्या बात है, ये भी बहुत अच्छा है। एक और मक्की चीना जो बाहर देखे थे, एक गुजरी देखो आप, और एक अलग कलर में गुजरी है। अच्छा, ये नहीं देखे थे हमने, ये नहीं, इसका एक सेम बकरा देखे थे ये कलर में, ये नहीं देखा था, निकाला नहीं था इसका। सही, चलिए शाइनिंग देख सकते हैं, रिलैक्सिंग देखो इनके, ये बहुत जरूरी है, बकरे एकदम रिलैक्स मूड में होने चाहिए। हाँ, और 4-5 के ग्रुप में बैठे हैं एकदम आराम से, ये देखो ये सब बिग साइज, वाह, आइए। सो आप लोगों ने पूरा एक वॉक कर लिया, ये शेड नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, है ना, अभी हम लोग जो आपका पुराना शेड है जो ऊपर बना हुआ है उसका भी एक व्यू लोगों को दे देते हैं। बहुत प्यारी धूप आ गई आफ्टर द रेन। सो दोस्तों ये शेड दूसरे शेड में आ गए अभी हम लोग, ये मचान पे बना हुआ है,
ऊपर की तरफ। ये भी एक नया है ना सर, ये साइड वाला? ये भी नया है। तो इसमें भी बिके हुए बकरे हैं कि बेचने? बिके हुए बकरे हैं टोटल इसके। हाँ। मैंने बताया ना ऑलमोस्ट 100 के ऊपर बकरे 2023 के लिए बुक है। सही। सो मेन रेयरिंग कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है जिसमें बड़े बड़े बकरे तैयार किए जा रहे हैं। ये सब ऑलरेडी बुक्ड है ना सर? ये ऑलरेडी बुक्ड है, ये पूरा लॉट दोस्तों ऑलरेडी बुक्ड है। इसमें आप देखिए सोजत है, गुजरी है, ये दो नस्ल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन सोजत के अंदर गुलाबी है, नॉर्मल सोजत है। ये देखें आप कितनी बड़ी बड़ी सिंह के सोजत देखने मिल रहे हैं, गुलाबी सोजत देखने मिल रहा है। ये मुंडा देखो, ये सब मेजरली 100 किलो के रेंज के हैं जो अभी बुक है, और अगले साल इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने साथ दी तो सब 130 140 किलो तक जाएंगे। लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में देखने मिलेंगे। हाँ, अगले साल देखने मिलेंगे। चलिए, ये पूरा नया ग्रुप आया ऐसा लगता है। ये नया ग्रुप है, जब आते तो ये ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसे तो ऐसे होते हैं। आते तो देख लो आप लोग कैसे देखो, रहते हैं। देखो। गुलाबी गुजरी है, वही ऐसा लगता है जानबूझ के गंदा रखा गया नजर ना लगे। जबरदस्त, क्या है, गुलाबी है। तो ये आए तो अंडूल है, अभी अंडूल है, अभी इनकी वैक्सीनेशन वो सब बाकी है। उनका वैक्सीनेशन वगैरह सब हो गया है, खस्सी करना बाकी है। इसके अंदर मालवा भी देख पा रहा हूँ ना मैं, ये मालवा है सर ये वाला? सही। तो ऐसे अंडूल बच्चे आते हैं, सब क्वालिटी, पंच, मुंडे, वाइट आइज, चलो ना दिखा, क्या बात है। तीस किलो, 35 किलो ये बच्चे हैं। आपको इनसे नेक्स्ट बकरे तक क्या उम्मीद है सर? 100 किलो तो पार करेंगे, 100 तो पार कर ही लेंगे, पर अगर उनको एक्सट्रीम पे लेके जाना है 120 30 40 पर 50 पे सबर देना पड़ेगा, तो फिर एक साल और। लेकिन ऐसे बच्चों का जब आप चेंजेस देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट है। बहुत से मेरे कस्टमर छोटे बच्चे रहते हैं और वो आके उनके उनमें कैसा चेंज हो रहा है वो सब देखते जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत काफ़ी खुशी हो जाती है। ये देखें आप, मचान अपने आप नीचे हो जाता है, वहाँ से करना पड़ता है, ईजीली हो जाता है। लाइट भी कितनी अभी आ गई, और लाइट दोनों तरफ देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा एक यू नो हवा पास होने के लिए भी है। ये भी सब बड़े बड़े बकरे, 100 किलो पार ही बकरे हैं ये, और ये सब बिके हुए हैं। सब बिके हुए हैं, देखो ये मक्खी की है, एकदम कलरफुल बकरा है। ये देखिए आप, मक्की छीना, ये बिक चुका है ना? बिक चुका है, ये 100 किलो के ऊपर ही है ना सर? के ऊपर ही है। सब बकरे इसमें देखो आप, एकदम जबरदस्त क्वालिटी के, कलर डिफरेंस भी है, सब गुजरी है इसमें ज्यादा। एक कोटा का बच्चा भी दिख रहा है, ये कोटा भी है, वो भी बुक है 2023 के लिए। वाह दोस्तों, 2023 के लिए बकरे देख सकते हैं आप, सारे बुक्ड है ऑलरेडी। चलिए आइए नेक्स्ट वाला बाड़ा देख लेते हैं, ये वाला, ये भी सब 2023 के लिए है सर? नहीं, ये सब कुर्बानी के लिए जाएंगे, इसमें से अगर वो एक पार्टी के बकरे हैं। अच्छा, ये सारे एक ही हमारे भाई के हैं? हाँ, एक ही भाई के हैं, एक ही भाई के बकरे हैं, शायद वो इसमें से कुछ बकरे रुकाएगा। अच्छा, कल ही फोन आया था नीलेश भाई, अगर कुछ बकरे रुकाएंगे तो रुका सकते हो। ये सब 100 पार हो गए? 100 पार है, 100 पार। ये एक साल से पल रहे हैं अपने पास? एक साल पे। जब ये आए थे क्या वजन पे थे सर? वही 40 में ज्यादा। सही, अपने से उन्होंने खरीद के अपने पास? हाँ, मेरे से खरीद के रखे हुए। अच्छा, तो ये 8 महीने पहले आए थे वो बकरों में से? यस। बहुत अच्छा, ये थोड़े जुलाई में आए थे मेरे पास, जुलाई इनको आए थे, तो समझ लीजिए ना लगभग 10 महीने हो गए, 10-11 महीने हो गए। ये पहले आए थे इसके लिए, उनसे ज्यादा हेवी है ये। सही है, काफी अच्छे बकरे माशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, अच्छा सनलाइट आ चुका है अभी। तो दोस्तों आइए और अंदर चल के आपको इसमें भी कुछ बकरे दिखाते हैं हम लोग। ये सब ऑलरेडी बुक्ड है ना सर? हाँ। इसमें
से दो तीन बकरे मगर मेजोरिटी के लिए दूध है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पॉइंट आउट कर दें तो भी चलेगा सर। मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। आप क्वालिटी देखिए, व्हाइट आईज में शानदार गुलाबी बच्चा है। ये बेचना है अपने को सर? ये दो बच्चे हैं माशाल्लाह, दोनों अच्छे हैं व्हाइट में, तो ये पालने के हिसाब से सही रहेंगे? पालने के हिसाब से, यानी ये सब कुर्बानी के लिए नहीं सेल करना। अच्छा, सेल करना ही नहीं अपने को? अगर कोई लेके 2023 के लिए रखने वाला है कोई, तो ही कांटेक्ट करें, है ना। क्या वजन पे होंगे बकरे अभी? अभी 80 किलो के ऊपर। और दांतों में? दो दांत रहेंगे। दो दांत है 80 किलो के ऊपर। ये भी 7-8 महीने से पल रहे अपने पास? ये अक्टूबर एंड में आया था, नवंबर में आया था। ठीक है, तो ये दो बकरे देने अपने को, और बाकी ये सारे बुक्ड बकरे हैं। ये इसमें एक अंडूल है सर कि वो पंच बकरा है? कौन सा? ये जो वो लेट पंच किया हुआ है, मगर वो अंडूल जैसे है, ये सब पहले से इनके साथ में है, इनके साथ ही रखा है, जैसे बाड़े चेंज नहीं करने का ना। ये भी पलाई पे अपने पास? नहीं, ये अभी बिका नहीं, ये अगर कोई कस्टमर आए तो बेचूंगा। अच्छा, ये बेचना है अपने को। है सोजत में ये, कैसा है? सोजत में, सोजत में। ठीक है सर, तो ये तीन बकरे हो गए। और कोई बकरे हैं देने वाले इसमें? वो उधर एक अंडूल है। ये भी पूरा अंडूल लॉट है सर? अंडूल लॉट है। तो ये बिके हुए इसमें से? ये सेल करना है, एक सेल करना है, और ये जो बिक गया मैं बता देता हूँ। मैं ये ब्राउन वाला है ना, ब्राउन जी, ब्राउन वाला बिक गया, उसके बाजू का बिक गया, और ये आदमी लेके लेके खड़ा है ना, वो बिक गया, बाकी क्या अवेलेबल है। सही है, तो अभी जो बिक गए हैं इनको खस्सी नहीं किया गया? नहीं, ये अंडूल ही रहेंगे। अच्छा, आप अंडूल भी रखेंगे पलाई पे? अभी ये गाले में रखेंगे। अच्छा, ये एक गाले वाले का रखेंगे, एक और दो, तो उसमें और अंडूल आएंगे वो फिर बेचेंगे। अभी ये साथ में अंडूल पड़े हैं, अभी ये वो बड़े होने तक झगड़ा नहीं करेंगे जी। अभी ये फ्रेंड टीम हो गए, दोस्त हो गए, दोस्त हो गए, अभी 3 महीने से ये दोस्त है, झगड़ा नहीं करेंगे। और ये सब बकरे ना खड़े सिंग वाले नहीं है, पीछे सिंग वाले, वो सब देख के लिए आप? हाँ, तो सिंग टूटने का भी चांसेस कम है। और इसके अलावा इनकी पलाई भी सेम रहेगी कि अलग रहेगी? 3000 रहेगी। फीडिंग सिस्टम भी सेम होगा इनके? सो बहुत अच्छा लगेगा देख के, अभी अंडूल भी कैसे बनेंगे इधर, बहुत दिल खुश होगा। पहले आपके यहाँ थे ना अंडूल बने हुए? अंडूल की टीम थी, बहुत बेहतरीन थे, मगर वो सब मुंडे रखे थे। हाँ, मुंडे रखे थे, बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े थे। सही, ये तो अभी नेक्स्ट ईयर भी एकदम, वो भी कभी केज में नहीं थे, ऐसे ग्रुप में थे, ग्रुप में थे, यानी बचपन से वो ग्रुप में बना के रखा था। सही, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरा एक्सपीरियंस से अगर अंडूल अगर साथ में रहेंगे ना एक ही टीम में, तो फिर वो झगड़ा नहीं करते, बाद में सेट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आई सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टूर, काफ़ी अच्छा लगा, और थैंक्स अ लॉट आपको, स्टाफ को भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सपोर्ट हुए है, और इनके वजह से हम, मेरा फार्म चल रहा है। सही, ये नागनाथ है, इनका नाम नागनाथ है, इनका नाम योगेश है, योगेश दशरथ है, और एक लेबर है, वो आज गाँव गया हुआ है जी। ये और इनकी फैमिली, 4 फैमिली इधर रहती है। सही, और पूरा फार्म है, लोग लेडी स्टाफ है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो बाहर से हम लोग आदमी लोग बुला लेते हैं। सही, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। स्टाफ का योगदान तो सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान रहता है। सही, और ग्रीनरी वाइज आप आएंगे ना सुबह 6:30 तो सब लोग आपको शेड के अंदर मिलेंगे। सही, काम करते हुए। वाह, मतलब चारों तरफ एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर, एकदम टोटल एंबियंस है, जिसकी वजह से बकरे बनते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी से, और ये जो एम्बियंस जो दिखता है ना इसके वजह से, उसके वजह से हकीकत में बकरे बनते हैं। बहुत मजा आ गया आपके साथ, शांति की बहुत जरूरत है। सही,
और इसी वजह से मैं खाली संडे के दिन फार्म खुला रखता हूँ जी, बाकी के दिन बंद रहते हैं। लोग कभी कभी थोड़ा सा नाराज भी होते हैं। नाराज मैं उनको समझाता हूँ, मैं जो भाई बकरे खरीद के रखता है फिर उसको समझ में आता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो जिद नहीं करते हैं। जिद नहीं करते। सही है, संडे को आओ एंड टेक योर टाइम थोड़ा सा, यस आके देख के जा सकते हैं। और वैसे कोई भी हर संडे तो कोई भी आता नहीं होगा है ना, महीने में एक आध बार आ गए। संडे के दिन तो बहुत लोग रहते ही है। पूरा पैक हाउस है, पैकअप रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो बनाते फीड का, लोगों को काफ़ी जानने मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।